समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, जिस तरीके से फरुखाबाद की जो घटना है जिसमें दो सहेलियां पेड़ से लटकती हुई पाई गई हैं, आप कैसे देखते हैं इस घटना को, क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना है वो जघन्य है और बहुत ही मर्माहत होने वाली है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कहा है कि महिला सुरक्षा को किसी भी राजनैतिक मान्यताओं से ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है। जो मुख्यमंत्री अनर्गल रोज इस तरह के गाना गाते हों और इस तरह के कीर्तन कर रहे हों कि सुरक्षित कानून व्यवस्था है, सुरक्षित कानून व्यवस्था है, दो मासूमों की, दो बेटियों की, और वो दलित समुदाय से आने वाली बेटियाँ, और दोनों की लाशें जब लटकी हुई हों, तो आप बताइए कैसे, न्याय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था कहाँ है? इससे पहले भी आपने झांसी में देखा क्या हुआ, इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में BHU जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 3 दरिंदों ने एक बेटी को नोचा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जब कहीं भी न्याय की बात आती है तो वो ये देख के निर्णय लेती है कि कहाँ हमारी सरकार है, कहाँ हमारी नहीं है, कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, कहाँ नहीं उठानी चाहिए। हम सबकी ये अपील होगी कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार संवेदनशील हो, और हर जगह उत्तर प्रदेश में तो माताओं बहनों के लिए अब ये पूरा प्रदेश मौत का कुआं हो गया है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। और सरकार उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित करेगी? और जब सरकार अपने पार्टी के जिन लोगों पे आरोप लगे हों, चिन्मयानंद जैसे लोगों का, जब आप मुकदमा वापस लेंगे तो निश्चित रूप से जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो व्यभिचारी हैं, उनका मनोबल और बढ़ेगा कि ठीक है, हम चाहे जो भी गलतियां करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की गीत गाएंगे और हमारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं सबको ये सवाल खड़े करने चाहिए और मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के खिलाफ लगातार अपराध क्यों बढ़ रहा है। जिस तरीके से जब ये घटना आई उसके बाद परिवार के लोगों के अलग अलग चीज़ें निकल के, अलग अलग बयान निकल के सामने आ रहे हैं, आपके हिसाब से, क्योंकि एक पक्ष आत्महत्या जैसी बात भी कह रहा है, तो क्या इस तरीके की चीज़ें भी कुछ, ये उत्तर प्रदेश की जो हालात है, पक्ष क्या कर रहा है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की हालात ये है कि अभी कानपुर में पुलिस ने किडनैपिंग करा एक बच्चे का, अगर आप तक खबर आई हो, तो पुलिस कब किससे क्या कहलवा लेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं भी निष्पक्षता के आधार पर कोई काम नहीं कर रही, और जो मुख्यमंत्री जी के अगल बगल जो अफसर हैं वो उनको बरगला रहे हैं, और उनको जमीन के हकीकत और जमीन पे कितनी भयावह स्थिति है इसका पता नहीं चल रहा। तो किसी को भी बैठा के उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ भी कहलवा लेगी, इस पुलिस पर भरोसा नहीं करा जा सकता है। इस प्रकरण में किस तरीके से न्याय की मांग आप करते हैं? इसी राजधानी में उन नौजवानों को फंसाया गया जो निर्दोष थे, एक बेटी के उसमें वो जो पानी वाला प्रकरण हुआ था सबने देखा होगा। हम सभी, हमारा सवाल नहीं है, सवाल समाजवादी पार्टी हमारे नेता का है और पूरे देश के बेटियों का है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अगर हमारे मुल्क में बहन बेटियां ही नहीं सुरक्षित रहेंगी तो हम किस तरह के विकास की और किस तरह के उन्नति की कल्पना कर सकते हैं? सब थोता है, सब बेकार है। हम चाहते हैं कि उन बेटियों के परिवारों को न्याय मिले और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष के लोगों को बचाने का ये जो कुत्सित कृत्य कर रही है, कम से कम ये करना बंद कर ले। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप मनोज काका जी को सुन रहे थे जिन्होंने फरुखाबाद की घटना पर अपनी बात रखी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।